हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। फिर एक बार स्वागत है आपके हमारे चैनल ऑनलाइन इनकम में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा एक बिग लूट ऑफर के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको पूरे 500 रुपीज मिल जाएगा फ्री में आपका बैंक अकाउंट पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आपको कैसे करना है एंड कैसे आपको 500 रुपीज आपका बैंक अकाउंट में लेना है। तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कीजिए यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते यार, वीडियो को लाइक करने से कुछ नहीं आता, मुझे मोटिवेट होता है, अच्छा लगता है कि यार बाद में और भी अच्छा अच्छा वीडियो डालूंगा। तो ये जो ऑफर आ रहा है भीम एपीपी एप्लीकेशन की तरफ से, इसका वीडियो मैंने कुछ दिन पहले मतलब 2 दिन पहले रेफरान का वीडियो डाला था। उसके बाद इसमें फिर से एक नया ऑफर आया है जिसके अंदर आपको 500 कैशबैक मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ओल्ड वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर कोड सब कुछ मिल जाएगा, अच्छे से ध्यान से समझे उसके बाद उसको रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर प्रोसेस थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप क्या करना पड़ेगा, इसका ऑफर को आपको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे जो हेडलाइन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऑफर में क्लिक करना है, ठीक है। ऑफर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा 750 कैशबैक, ठीक है। आपको इसका टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। जैसे आप इसका डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो आपको यहाँ पे इसका टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यूजर गेट 25 कैशबैक पर ट्रांजैक्शन, मतलब आपको पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपीज कैशबैक मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फोर अप टू 20 यूनिक ट्रांजैक्शन इन मंथ, मतलब आप एक महीने के अंदर आप 20 यूनिट ट्रांजैक्शन करते तो आपको यहाँ पे मतलब पर ट्रांजैक्शन के लिए आपको 25 रुपीज करके मिलेगा, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो 500 रुपीज, ठीक है। एंड आपको मिनिमम जो आपको ट्रांजैक्शन करना होगा यहाँ पे 100 रुपीज करना पड़ेगा। और उसके नीचे और भी एक ऑफर दिया गया है जिसके अंदर आपको 250 रुपीज कैशबैक मिलेगा बोल रहा है, बट इसके अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको इसका नहीं बोल रहा हूँ। आपको यहाँ पे जो 500 रुपीज वाला कैशबैक, इसका मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करना होगा। तो आपको देखो इसका जो कैशबैक मिलता है आपको इंस्टेंट नहीं मिलता, ठीक है। आपको इसका कैशबैक लेने के लिए आपको मिनिमम 15 डे आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ आपको कैसे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस का आइकॉन यहाँ पे मिलता है यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आपके पास देखो आपको फ्रीचार्ज पेटीएम उसके बाद फोनपे एप्लीकेशन यूज करते होंगे उसके अंदर आपको भीम यूपीआई आईडी मिलता है, ठीक है। उसी भीम यूपीआई आईडी को यहाँ पे डालिए, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे मैं फ्रीचार्ज का डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा डाल देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड आपको यहाँ पे अमाउंट पे डालना होगा 100 रुपीज़, ठीक है। आपको मिनिमम 100 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन करना होगा। उसके बाद आपको सेंड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको मतलब दूसरा स्टेप आ जाएगा जिसके अंदर आपको बोलेगा आपका यूपीआई पिन एंटर कीजिए। एंटर यूपीआई पिन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद पिन डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क क्लिक कीजिए। जैसे आप टिक पे क्लिक करेंगे आपका जो 100 रुपीज़ मतलब यहाँ पे जैसे आप ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा सेंडिंग यहाँ पे प्लीज और बोल रहा है, तो यहाँ पे मेरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एंड बाकी जो 19 ट्रांजैक्शन करनी है वो आपको कैसे करना है, फिर से सेम प्रोसेस करना है। एंड आपको यहाँ पे जब आपने ये फ्रीचार्ज का डाला था उसके बाद आपको फोनपे डालना है, उसके बाद तेज का डालना है, उसके बाद पेटीएम का यूपीआई डालना है, ऐसे करके आपको 20 अलग अलग यूपीआई आईडी पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो उसके बाद आपको और एक ट्रिक में आपको बता देता हूँ। फ्रीचार्ज के अंदर आपको यहाँ पे अनलिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नहीं 2-3 आईडी आपको फ्री में मिलता है। तो आपको करना क्या होगा देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। यहाँ पे जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे भीम यूपीआई पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मतलब 2-3 यूपीआई आईडी अलग अलग मिलता है, ठीक है। उसके बाद यूपीआई सेटिंग पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी एडिट इस पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे 2-3 यूपीआई आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या होगा, नीचे आप एक बार यूज कर लेंगे उसके बाद आपको फिर से 2 मिल जाएगा। तो उस दोनों आईडी को इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यूपीआई आईडी चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको यूपीआई आईडी मिलेगा उसे आपको फिर से वो इस एप्लीकेशन में अंदर जाना है। जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा। जैसे होगा का आप एक ही बैंक अकाउंट का यूपीआई आईडी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से आपको मतलब 20 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा एक मंथ के अंदर, तो आपको यहाँ पे पूरे 500 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद पेटीएम में मतलब पेटीएम में भी आप अलग अलग कर सकते हैं, उसके बाद तेज में कर सकते हैं, उसके बाद फोनपे में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप मतलब दोहराएंगे तो आपको यहाँ पे 500 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। एंड इसमें आपको कुछ भी मतलब समझ में दिक्कत आती है तो प्लीज़ वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड।